सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के स्पर्श भाग 2 काव्यखंड का तीसरा काव्य करने जा रहे हैं, जो है बिहारी के दोहे। तो पिछली वीडियो में हम लोग बिहारी जी के जीवन परिचय एवं उनके काव्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उनके दोहों के भावार्थ को समझेंगे। तो पहले दोहे को ध्यान देंगे। सोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आत पिपरियो प्रभात। तो पहले शब्दों के अर्थ की ओर ध्यान दो। सोहक अच्छा लगता है, ओढ़े ओढ़ा हुआ या पहना हुआ, पितु पीला, पटु वस्त्र, श्याम श्याम सांवला यहाँ कृष्ण जी के लिए प्रयोग हुआ है, सलोने सुंदर, गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सैल मतलब नीलमणि नामक पर्वत, आतपियो धूप परियो पड़ा हो। सरल शब्दों में पहले अर्थ समझेंगे कि दो सखियाँ यहाँ बाब्या बात कर रही हैं। एक सखी दूसरे सखी को कहती है कि श्री कृष्ण के शरीर पर जो ये पीले वस्त्र हैं, जो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह सुबह भोर में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो। लेकिन बच्चे, अगर इसका भावार्थ लिखने के लिए आता है तो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ बिहारी के दोहे से ली गई है। इसका आशय है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले तन पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। इस वेश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रभात काल में नीलमणि पर्वत पर सूर्य की धूप पड़ रही हो। ये हो गया अर्थ हमारा। अब दूसरा काव्य की ओर हम लोग ध्यान देंगे। कहलाने एकत बसत अही मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियो दीरग दाग निधाग। पहले हम लोग देखेंगे इसका अर्थ। कहलाने मतलब व्याकुल, एकत एकत्र या इकट्ठा किया हुआ, बसत मतलब बसते हैं या रहते हैं, अही सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर, जगतु संसार को, तपोवन वन हो गया, जहाँ तपस्वी रहते हैं उसको तपोवन बोलते हैं, सौ मतलब सा, दीर्घ दीर्घ मतलब होता है भयंकर, और दाग मतलब होता है गर्मी मतलब प्रचंड ताप, दीर्घ दाह मतलब दीर्घ दाह मतलब भयंकर गर्मी या प्रचंड ताप, निधाग मतलब गर्मी का मौसम। तो इसका आशय क्या है, इसको पहले सरल शब्दों में समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है, बहुत भयंकर गर्मी जब पड़ती है तो वो धरती को तपोवन जैसा बना देती है। तपोवन का अर्थ मैंने क्या बताया, जैसे वैसे वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, तो ऐसा बना देता है भयंकर गर्मी में कि तपोवन के समान हो जाता है। और इस गर्मी से क्या होता है कि जो शत्रु भाव रखते हैं, जो दुश्मनी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं दूसरे से, वो भी अपने हो जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं, मतलब मित्र बन जाते हैं। जैसे कि सांप और मोर क्या हैं, दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, हिरण और सिंह दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, तो ये भी क्या करते हैं कि मित्र रूप में हो जाते हैं। और यहाँ ऐसी मित्रता हो जाती है कि लगता है कि ये पूरा जो वन है वो तपोवन बन गया है, तपस्वी का स्थान बन गया है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ बिहारी के दोहे से ली गई हैं। इसका आशय है कि कवि कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारी धरती को तपोवन के समान बना दिया है, तभी तो गर्मी के ताप से प्रभावित होकर परस्पर शत्रु भाव रखने वाले सांप और मोर तथा हिरण और सिंह साथ साथ निवास कर रहे हैं, तपोवन में ही ऐसी मैत्री संभव है। बेटा ये हो गया अर्थ। तो आज हम लोगों ने दो दोहों के अर्थ जाने। अगले वीडियो में हम लोग आगे के दोहों के अर्थ देखेंगे। धन्यवाद।